आज हम लोग वन डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग 17th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द इंटरवल 0,2। तो 0,2 इंटरवल में हमारे पास रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस 2t - x = 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t - x = 0। इसके लार्जेस्ट रूट के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या मिले, एक सिक रैंडम वेरिएबल है। सिंस कैपिटल एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ए जो रैंडम वेरिएबल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 0,2। ओके, देन हम बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय हमें मिल जाएगा एफ एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 1/b - a दैट इज हाफ, जब x का जो रीजन होता है वो 0 से 2 के बीच होता है, 0 < x < 2, एंड बाकी सारे पॉइंट्स में हमें 0 मिलेगा, 0 elsewhere। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है टी स्क्वायर प्लस 2t - x = 0। इसके हमें रूट्स निकालने हैं। दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस 2t - x = 0 आर हमें मिल जाएगा टी इक्वल्स टू -2 ± √4 + 4x / 2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा -1 ± √1 + x। ओके, दी लार्जेस्ट रूट, यहाँ से जो लार्जेस्ट रूट मिलेगा दी लार्जेस्ट रूट इज -1, यहाँ से सिर्फ प्लस वाला आएगा, सो +√1 + x। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हम y मान लेते हैं, therefore हम बोल सकते हैं इन रियल वेरिएबल विल गेट y इक्वल्स टू -1 + √1 + x। ठीक है, देन यहाँ से हमें dy/dx इसका जो डेरिवेटिव है वो मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 √1 + x, जो कि 0 से बड़ा है, दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन 0,2। ओके, तो यहाँ पर हमें y इक्वल्स टू -1 + √1 + x के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं अगर x वैरी करता है 0 से 2 के बीच अगर x वैरी करता है, सो देन जो y वैरीज फ्रॉम 0 to √3 - 1, क्योंकि हमारे पास y इक्वल्स टू -1 + √1 + x है। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो हमें y का वैल्यू इक्वल्स टू 0 मिलेगा, अगर x का वैल्यू इक्वल्स टू 2 पुट करें तो हमें y का वैल्यू इक्वल्स टू √3 - 1 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर x 0 से 2 के बीच वैरी करता है तो y वैरी करेगा 0 to √3 - 1 इसके बीच। ओके, नाउ बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, अगर यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगाए वी गेट और वी हैव f x of x into modulus of dx दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा हाफ इंटू एफ एक्स ऑफ x, इसका वैल्यू है हाफ इंटू dx dy, जो कि हमें मिल जाएगा 2 √1 + x। यहाँ पर 0 < x > 2 होगा, देयरफॉर हमें fy ऑफ y = मिल जाएगा 1 + y अगर 0 < y > √3 - 1 इस इंटरवल में हम ले तो हमें fy ऑफ y = 1 + y मिलेगा, और बाकी सारे पॉइंट्स में 0 मिलेंगे, 0 elsewhere। ओके, तो अभी हमने वेरिएबल y के लिए fy को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मान लिया है, तो रूल के मुताबिक हमें मिल जाएगा देन fy इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू वाई एफ वाई ऑफ वाई डी वाई फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वाई। वाई के सारे रियल वैल्यूज के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ वाई कॉस्ट ए मिलेगा, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वाई। अभी यहाँ से तीन केसेस अरेस करेंगे क्योंकि जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी टू वाई है, तो यहाँ से तीन केसेस अरेस करेंगे। सो केस नंबर वन, दैट इज अगर वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो के बीच होता है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू जीरो, देन हमें एफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू वाई एफ वाई ऑफ वाई डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू हमें जीरो मिलेगा क्योंकि हमें पता है कि एफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू वन प्लस वाई होता है जब इंटरवल होता है जीरो लेस देन वाई लेस देन रूट थ्री माइनस वन एंड बाकी सारे पॉइंट्स में हमेशा जीरो होता है, जीरो एल्सवेयर। तो यहाँ पर हमें जीरो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरवल कुछ दूसरा ही है, यहाँ पर सब जीरो लेस देन वाई लेस देन रूट थ्री माइनस वन होगा तभी हमें वन प्लस वाई मिलेगा, ठीक है। अभी केस टू में हम उसी केस को ले लेते हैं, इफ इंटरवल इज जीरो लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन, देन हमें एफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू वाई एफ वाई ऑफ वाई डी वाई। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एफ वाई ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू वाई एफ वाई ऑफ वाई डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू वाई वन प्लस वाई डी वाई, क्योंकि इस पार्ट का वैल्यू जीरो हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा वन प्लस वाई, एफ वाई ऑफ वाई का वैल्यू वन प्लस वाई मिलेगा। अभी इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें मिल जाएगा वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, ओके। अभी केस थ्री में हमें जो तीसरा केस मिलेगा दैट इज इफ रूट थ्री माइनस वन लेस देन वाई लेस देन इन्फिनिटी, अभी इसके लिए हमें एफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू वाई एफ वाई ऑफ वाई डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू हम अगर कैलकुलेट करें तो हमें इंटीग्रेशन जीरो टू रूट थ्री माइनस वन वन प्लस वाई डी वाई मिलेगा, बाकी पार्ट्स जीरो हो जाएंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू जीरो रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू हमें वन मिलेगा, ओके। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, सॉरी देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फंक्शन एफ वाई इज गिवन बाय एफ वाई इक्वल्स टू जीरो इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इन द इंटरवल जीरो लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन एंड इक्वल्स टू वन इन द इंटरवल रूट थ्री माइनस वन लेस देन वाई लेस देन इन्फिनिटी, और यही हमारा आंसर है। सो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।